हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभ अकेडमी। आज हम लोग देखेंगे कि आईसीसी का बायोलॉजी का जो चैप्टर है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्वेश्चंस नहीं बोलूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे जब भी आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, आईसीसी के लिए। तो ये सब क्वेश्चंस, ये सब सब टॉपिक ज़रूर करके जाइए, ठीक है। ये सब रिपीटेड सब टॉपिक्स है जो कि मैक्सिमम टाइम आईसीसी क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जिसमें मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, पहले जो है माइटोसिस एंड मेयोसिस का डिफरेंस बहुत आता है, ठीक है, एंड सिग्निफिकेंस, माइटोसिस एंड इट्स स्टेजेस, आपको सब स्टेजेस याद करना है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड ऐसा डिफरेंस आता है, जीनोटाइप फेनोटाइप, जीन सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम ऐसा क्वेश्चन आता है। डिफ्यूशन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंट भी आएगा इसके रिलेटेड। टर्जिट फ्लैसिट, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, रूट प्रेशर, जाइलम फ्लोएम, ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेसिव एंड एडहेसिव, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस, गैनन स्पोडोमीटर, स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन, गटेशन, फोटोसिंथेसिस, सिग्निफिकेंस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। फिर आता है वर्किंग ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन, आई, ईयर, थायराइड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्लासेंटा, एम्ब्रायो, कंट्रोल मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन, पोल्यूशन, WHO, एंटीसेप्टिक, वैक्सीनेशन, रेड क्रॉस, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एंड ओजोन लेयर। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ बेसिकली आई विल डिस्कस दैट मैं अब डिस्कस करूंगा कि कौन सा जो डायग्राम क्वेश्चंस आता है, ठीक है, तो कौन सा डायग्राम क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2019 के लिए, ठीक है। तो मैं ये सब डायग्राम क्वेश्चंस करूंगा, इसमें से ही आएगा ये सब जो डायग्राम क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, ये आपको 10 ईयर्स में मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ आउट ऑफ द टॉपिक कर रहा हूँ कुछ अलग से, ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि कौन सा एग्जैक्ट डायग्राम आ सकता है। तो इसलिए मैंने ये सब डायग्राम मैंने रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको समझ में आए, और 10 ईयर्स में जाके आप एग्जैक्ट ये डायग्राम आप खोल के देखिए, 10 ईयर्स में होगा जो जो डायग्राम मैं आप दिखाने वाला हूँ ये सब 10 ईयर्स में है। सो आई रिक्वेस्ट यू, आप 10 ईयर्स में जाइए, ये एग्जैक्ट डायग्राम आप निकालिए और उसका आंसर देखिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी, मैं इसका आंसर डिस्कस नहीं करने वाला, सिर्फ मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें से क्वेश्चंस ऐसा क्वेश्चंस आएगा, आईसीएसई में आता है एवरी ईयर, आपने नोटिस किया है। तो पिछले ईयर में स्पर्म का एक डायग्राम से क्वेश्चंस आया था रिगार्डिंग द फर्टिलाइजेशन, तो इस बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है। तो नेम द, ऐसे लेबलिंग दिया जाता है, नेम द पार्ट 1 to 6, नेम द बर्थ कनाल, द पार्ट होमोलोगस टू मेल पेनिस इन फीमेल्स फॉर सेक्सुअल स्टिमुलेशन, गिव द अप्रोप्रिएट टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो ऐसा रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएगा। नेक्स्ट आता है ईयर, मैंने आपको बोला ईयर इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस ईयर, फॉर द 2019 बैच। तो ईयर में से देखिए ऐसा लेवलिंग क्वेश्चंस आ सकता है, कौन क्या है, मेंशन द फंक्शन ऑफ पार्ट लेवल 1 एंड 4, मेंशन द सेंसरी सेल्स, नेम द फॉलोइंग रिलेटेड टू ईयर, द पार्ट ऑफ द ईयर कंसर्न विद द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सो ऐसा क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू फर्टिलाइजेशन, नेम द पार्ट 1 to 5 ऐसा लेबलिंग का क्वेश्चंस, विच टर्म इज गिवन टू द पीरियड ऑफ डेवलप्ड ऑफ द फीटस इन द वूम, हाउ मेनी डेज डज द फीटस टेक टू बी फुली डेवलप्ड। सो बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस है, मैंने आपको बोला था कि फर्टिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका आई, मैंने आपको बोला था आई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेम द डिफेक्ट शोन इन दिस डायग्राम, नेम टू पॉसिबल रीजन्स फॉर दिस डिफेक्ट ऑफ द आई न्यूमोनिया, नेम द लेवल मीन्स यू हैव टू लेवल दिस पार्ट्स, ड्रॉ लेवल डायग्राम टू शो हाउ द मेंशन डिफेक्ट इज रेक्टिफाइड यूजिंग अप्रोप्रिएट लेंस, ठीक है। लाइक ये जो डायग्राम है ये मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है और कौन सा लेंस से ये रेक्टिफाई होगा आपको ये भी बताना है। ये जो डायग्राम है, ठीक है, तो ऑस्मोसिस का जो सेटअप है आपको इसको
व्हाट प्रोसेस डज एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट, डिफाइन द अबव प्रोसेस। तो मैंने आपको बोला ऑस्मोसिस डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। एक्सप्लेन द चेंज इन आवर प्रोसेस, मेंशन टू वेज ऑफ टर्जिडिटी टू द प्लांट्स। मैंने ये भी बोला था कि टर्जिट, फ्लैसिड, ये सब प्लास्मोलाइसिस, डी प्लास्मोलाइसिस, ये सब इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है। फिर आता है ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन है। ये सब डायग्राम आपको 10 ईयर्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आंसर का चिंता मत कीजिए, 10 ईयर्स पूरा 10 ईयर्स ढूंढिए, ये सब क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक है। सो ये सब क्वेश्चंस वहाँ पे पूरा सेम टू सेम क्वेश्चंस है, जस्ट मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहा हूँ कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेम द पार्ट्स मार्क्ड ए बी सी डी, राइट। द नेम ऑफ द सर्जिकल मेथड रिप्रेजेंट इन द डायग्राम, विच पार्ट इज लिगेटेड और कट, सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रेन। मैंने आपको बोला कि ब्रेन इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है। नेम द पार्ट्स लेवल 1, 2, 3, 4, पार्ट लेवलिंग तो आएगा ही आएगा। नेम द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट 1, 2, 3, 4। नेम द बेसिक यूनिट ऑफ द ब्रेन। सो ब्लड वेसल से क्वेश्चन आ सकता है इस साल। व्हाट आर द साउंड्स लव एंड डप प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ हार्ट बीट एंड ऑल, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। हार्ट से क्वेश्चन आ सकता है इस साल, ठीक है। नेम द फेज विच पार्ट ऑफ द हार्ट आर कॉन्ट्रैक्टिंग इन दिस फेज, गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। नेम द वॉल्स दैट आर क्लोज एंड द वॉल्स दैट आर ओपन इन दिस फेज, द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर देन ऑरिकल्स, एक्सप्लेन, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन है, नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बीन स्टडीड, डिफाइन द अबव प्रोसेस, राइट द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव प्रोसेस, हाउ कैन इट टेस्ट द गैस, ठीक है। सो ये फोटोसिंथेसिस रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सनलाइट, तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड, आई एम सॉरी, ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो आपको केमिकल इक्वेशन से आपको केमिकल इक्वेशन में देना है। देखिए, राइट द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव प्रोसेस, सो फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐसा क्वेश्चन आता है प्लांट से। प्लांट एक बहुत ही ईजी चैप्टर है फ्रेंड्स, उसमें से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और उसमें से बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं पढ़ के बोल देता हूँ। व्हाट इज द एम ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन द कॉनिकल फ्लास्क, राइट टू ऑब्जर्वेशन फॉर द लीव इनसाइड एंड आउटसाइड अ कॉनिकल फ्लास्क आफ्टर द आयोडीन टेस्ट, राइट द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव प्रोसेस, ठीक है। और ये आपका एक स्पाइनल कॉर्ड से क्वेश्चन आता है। व्हाट डज द अबव डायग्राम डिपिक्ट्स, लेवल द पार्ट 1 to 6, व्हिच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज लोकेटेड इन पार्ट लेवल 4, name B and C, give one example of each. So friends, ये questions है, ठीक है। ये basically glands of the males का questions, तो इससे आपको ये सब questions देखने को मिलेगा। Then the hormone secreted, ये basically testes है, ठीक है। So testes से related questions, ये आपका जो है मैं देख पा रहा हूँ। गिवन बिलो इन आउटलाइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी शोन इम्पॉर्टेंट ग्लैंड, सो इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स को मैंशन आपको लेबल करना है, कहाँ कहाँ कौन सा ग्लैंड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेम द ग्लैंड्स मार्क्ड 1 to 5, नेम द हार्मोन सीक्रेट बाई 3, गिव वन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ दिस हार्मोन, नेम द हार्मोन सीक्रेट बाई द पार्ट 4, नेम द हार्मोन सीक्रेट बाई द पार्ट 5, गिव वन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ दिस हार्मोन। सो देखिए क्वेश्चन ये ऐसा है कि आपको अगर ये सब लेबलिंग पता है कौन सा ग्लैंड कौन सा जगह में सिचुएटेड है, तो अगर आपको पता है देन ओनली आप ये सब क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा रिलेटेड है। Identify the above structure. Where is the above structure located? Give the structural difference between the B and C. Explain the above mechanism. तो opening and closing of stomata आपको अच्छा तरह के mechanism जो है वो आपको समझना चाहिए, ठीक है। ये fetus से related questions, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर आता है आपका एक और questions plant related. What is the aim of the experiment? Write your observation for the green and non-green parts. Give to adaptation and leaves for the above process.
राइट द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन गिव एग्जांपल ऑफ प्लांट यूज्ड फॉर द अबव एक्सपेरिमेंट. और ये क्वेश्चन है फ्रेंड ब्लड वेसल्स रिलेटेड. नेम द ब्लड वेसल्स लेबल्ड ए टू एच. नेम द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज हाइस्ट अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स एंड यूरिया. ये सब क्वेश्चन आपको 10 ईयर्स में देखने को मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ. ठीक है, तो अब वह जाइए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन निकालिए और आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बार बार, तो इसमें से ही कोई मतलब मैक्सिमम मैचिंग होगा होने वाला है. ठीक है, तो बिकॉज माइटोसिस मियोसिस का जो डायग्राम है वो इस साल आ चुका है, मतलब 2018 में आ चुका है, वो नहीं आने वाला है. स्पर्म का डायग्राम भी आ चुका है, वो भी नहीं आने वाला है. तो बचा कुछ ये सब डायग्राम्स है जो कि इसमें से ही आएगा. ब्रेन, ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो जो मैंने डिस्कस किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड. सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. और अगर कोई आपका डाउट है, सजेशन है, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करके आप बोलिए. और इस चैनल के साथ जुड़े जुड़े रहिए फ्रेंड्स, ताकि मैं और भी ऐसा कुछ वीडियो ला सकूँ और आपको आपके साथ शेयर कर सकूँ. चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. टिल देन, गुड बाय.